क्या चैप्टर इज व्हाट लेबर कॉस्ट क्या बेटा लेबर कॉस्ट नाउ लेबर कॉस्ट इज ऑल्सो एन वेरी इसेंशियल एन इसेंशियल कंपोनेंट राइट है इसेंशियल कंपोनेंट प्रोडक्शन राइट लेबर कॉस्ट इज ऑल्सो अ वेरी इसेंशियल कंपोनेंट ओके एंड लेबर कॉस्ट सबको पता है विदाउट लेबर कुछ हो नहीं सकता राइट है जब बंदा रहेगा ही नहीं काम करने के लिए भले वो प्रोडक्शन हो या ऑफिस का हो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हो सब जगह लेबर चाहिए एवरीवेयर वी रिक्वायर लेबर और वो लेबर क्या फ्री में थोड़ी काम करेगा उसको अपने को पेमेंट देना पड़ता है तो जो पेमेंट दोगे ना पेमेंट वही होता है लेबर कॉस्ट अब मजदूर फैक्ट्री में फ्री में काम करेगा नहीं ना उसको पेमेंट करना पड़ेगा अपने को तो ही वो प्रोडक्शन करेगा बराबर है ऑफिस में जो बंदा बैठा है जो स्किल्ड लेबर बैठा है वो काम कर रहा है तो क्या फ्री में करेगा उसको पेमेंट करना पड़ेगा आपको तो जो कंपनी पेमेंट करती है बेटा वो कंपनी का क्या हो गया दैट इज कंपनी का कॉस्ट हो गया वो कंपनी का कॉस्ट है सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट लेबर कॉस्ट बराबर है जो भी कंपनी कंपनी मतलब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करेगा दैट इज व्हाट लेबर कॉस्ट ठीक है तो देखो लेबर कॉस्ट नॉर्मल मीनिंग See everyone, what is labor cost? Labor cost is what? The sum of all wages paid. The sum of all wages paid to employees. Employee को जो भी आप payment कर रहे हो, ठीक है? All wages paid to employees as well as the cost of employee benefits. अब आपने tax में पढ़ा भी है, income from salary में. खाली employee को आप salary या wages ही देते हो क्या? अरे और भी बेनिफिट होता है ना बेटा जो कि सैलरी का पार्ट होता है एक ही नहीं सैलरी का पार्ट होता है मालूम पड़ा उसको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है लीव ट्रेवल अलाउंस मिलता है लीव सैलरी मिलती है परक्विजिट मिलता है बराबर है ऑल अदर बेनिफिट्स प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉयर भाई एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो एम्प्लॉयर का तो कॉस्ट ही हो गया ना वो एम्प्लॉयर दे रहा है ना एम्प्लॉय को उतना पेमेंट दे रहा है उतना अमाउंट वो एम्प्लॉय की तरफ से खुद कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो एम्प्लॉयर के लिए तो कॉस्ट ही हुआ ना बराबर है मालूम पड़ा कि नहीं सो दिख रहा है द सम ऑफ ऑल वेजेस पेड टू एम्प्लॉयज एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स वॉट एवर कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स आर देयर एंड पेरोल टैक्सेस पेड बाय एन एम्प्लॉयर और जो भी पेरोल टैक्सेस पेड बाय एन एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय जो भी वो पेमेंट कर रहा है On behalf of the employee, अपने employee के behalf पे जो भी वो दे रहा है वो सब क्या हो गया बेटा All is considered as labor cost. वो सब क्या है Labor cost. समझा क्या है बेटा वो सब Everything is what? Labor cost. तो याद रहेगा सबको What is labor cost? Clear? तो याद रखना labor cost is what? The sum of all wages paid to employees as well as the cost of employee benefits या जो भी cost of employee benefits होगा and payroll taxes paid by an employer वो सब आपका क्या हो गया बेटा labor cost तो हमेशा याद रखना labor cost मतलब employer जो भी अपने employee के लिए जो भी अपने employee के लिए payment करेगा that is what labor cost simple employer जो भी दे रहा है अपने employee के लिए बराबर है वो सब आपका क्या है बेटा लेबर कॉस्ट में कंसिडर होगा ठीक है जो भी बेनिफिट्स दे रहा है पेमेंट तो दे ही रहा है अदर बेनिफिट्स से रिलेटेड जो भी दे रहा है बेटा सब एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन लेबर कॉस्ट सो अब क्या बोलता है बेटा जो भी वेजेस होगा देखो अब लेबर कॉस्ट में दिया ना नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या बोल रहा है वेजेस प्लस ऑल अदर बेनिफिट्स दैट एक्रू टू द लेबर बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेजेस तो दे रहा है प्लस ऑल अदर बेनिफिट जो भी दे रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ऑल विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट लेबर कॉस्ट क्योंकि वो एम्प्लॉयर के पास से जा रहा है वो मालिक के पास से जा रहा है वो मालिक का क्या हो गया वो एम्प्लॉयर का कॉस्ट है दैट इज व्हाट कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर सो दैट इज व्हाट कंसिडर्ड एज लेबर कॉस्ट याद रखो दैट इज व्हाट बच्चा लोग लेबर कॉस्ट सिंपल फंडा यू आर हैव टू रिमेंबर इट देयर इज नो मोजेस ऑफ So, labor cost भी देखो, labor cost has been bifurcated into two parts, that is direct labor cost, indirect labor cost. एक direct है और एक indirect
क्या बेटा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट. नाउ सी व्हाट इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेटा. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मींस व्हाट, लेबर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मींस जो आप किसको दे रहे हो, डायरेक्ट लेबर को दे रहे हो, मजदूरों को दे रहे हो बेटा, मजदूरों को जो डायरेक्टली प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है. सो दोज प्रोडक्शन कॉस्ट इज नोन एज व्हाट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, दैट इज व्हाट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज व्हाट, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व. वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेबर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज व्हाट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट. और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या हो गया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस सैलरी दिया, सेल्समैन सैलरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से रिलेटेड जो भी सैलरीज दे रहे हो आप, बराबर है कि नहीं, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज से, जो ऑफिस सैलरी दे रहे हो, अदर जो भी इनडायरेक्ट लेबर है या फिर जो भी हो गए, मालूम पड़ा, इनडायरेक्ट लेबर अलग से और डायरेक्ट लेबर याद रखना जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है उनसे रिलेटेड हो गया. जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए उनसे रिलेटेड आपका क्या हो गया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. और जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है उनसे रिलेटेड जो भी रहेगा वो इनडायरेक्ट, उसमें वर्क मैनेजर सैलरी, अपना ऑफिस सैलरीज, बराबर है, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उनका सैलरीज हो गया, सेल्समैन के सैलरी हो गए, वो सब इनडायरेक्ट हो गए, बराबर है. बट सब एम्प्लॉयर के लिए क्या है बेटा, ऑल इज द कॉस्ट. सब एम्प्लॉयर पेमेंट ही कर रहे हैं ना, सब एम्प्लॉयर दे ही रहे हैं ना बेटा. सो एम्प्लॉयर के लिए क्या है, ये सब कॉस्ट है, बराबर है कि नहीं, समझा कि नहीं, मालूम पड़ा. तो ये सब एम्प्लॉयर का क्या होता है बेटा, कॉस्ट. यस, कोई भी एक्सपेंसेस हो, करेक्ट, यस अभिषेक, बराबर है. सब एम्प्लॉयर जो भी देने वाला है एम्प्लॉय को, जो पेमेंट करेगा वो एम्प्लॉयर के लिए क्या हो गया, उसका कॉस्ट हो गया. दैट्स इट, वेदर इट इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मालूम पड़ा. तो वो सब आपका क्या है, लेबर कॉस्ट. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस कर लो तो आपको उसका लेबर कॉस्ट मिल जाएगा. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, लेबर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, उससे रिलेटेड जो भी पेमेंट किया है, दैट इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. और जो लेबर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, लेबर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, दैट इज व्हाट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट. तो एम्प्लॉयर पेमेंट करेगा ना यार, या कर रहा है, तो वो सब उसका क्या हो गया, कॉस्टिंग हो गया, दैट इज व्हाट लेबर कॉस्ट. क्लियर है? तो लेबर कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो ये हो गया आपका लेबर कॉस्ट. लेबर कॉस्ट से ही मालूम पड़ रहा है ना कि कितना लेबर से रिलेटेड कॉस्ट कितना है, एम्प्लॉयर का लेबर रिलेटेड कॉस्ट कितना है. मटेरियल का पूरा कॉस्ट देख लिया, मटेरियल कॉस्टिंग क्या था, अभी लेबर कॉस्ट देख रहे हैं, लेबर से रिलेटेड कितना, लेबर रिलेटेड कॉस्ट कितना है, लेबर रिलेटेड कॉस्ट इज हाउ मच, दैट इज व्हाट लेबर कॉस्टिंग से ही मालूम पड़ेगा ना बेटा ये सब. देन नाउ व्हाट इज लेबर कॉस्टिंग, क्या बच्चा, व्हाट इज लेबर कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग क्या है. सो सी एवरीवन, नाउ व्हाट इज लेबर कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग इज व्हाट, अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग. What is it? It's a method of costing which helps to find out a cost of a labor. What is it? It's a method of costing which helps to find out a cost of labor incurred by a business entity for the smooth functioning of its business operations. So what is labor costing? Labor costing kya beta? Labor costing is what, a method of costing. Remember it, everyone. What is labor costing? Labor costing is a method of costing which helps to find out a cost of labor. What? Which helps to find out cost of a labor. Kitna hai labor ka cost, kitna hai? Which helps to find out a cost of labor incurred by a business entity. Jo business entity ne incur kiya hai, labor ke piche kitna kharcha kiya hai. So, which helps to find out a cost of labor incurred by business entity. Why? क्यों? क्यों labor के पीछे entity खर्चा कर रहा है? पागल है entity. अरे भाई, उससे benefit होगा ना entity को. और smooth functioning of its business operation. For smooth functioning of its business operations. इसी के लिए तो वो labor दे रहा है. बराबर, इसी के लिए वो क्या कर रहा है? Wages दे रहा है, salaries दे रहा है, everything. बराबर है कि नहीं? So labor costing is what?
It's a method of costing. What is it? It's a method of costing which helps to find out what? A cost of labor. What? Which helps to find out a cost of labor incurred by a business entity. Incurred by what, beta? Incurred by a business entity for what? Smooth functioning of its business operation. For the smooth functioning of its what, beta? Business operation. Remember, here everyone, hello, sub blog. Labor costing is what? It's a method of costing which helps to find out what method of costing which helps to find out a cost of a labor, which helps to find out what cost of labor incurred by a business entity for what? Why? For the smooth functioning of its business operation. Why? For smooth functioning of its business operation. So everyone have to remember it. Clear? Manam pad gaya? To ek bar sab log bolo saath mein. Kya labor costing? Labor costing is a method of costing which helps to find out what? A cost of labor. Which helps to find out a cost of labor incurred by a business entity. Incurred by a business entity for what? For the smooth functioning of its business operation. Okay? Taki business operation smoothly, smooth functioning ho business operation ka. Isiliye to bhai kharcha karta hai na. Entity isiliye to kharcha kar raha hai labor costing. Labor cost kyun ja raha hai? Taki smooth functioning of its business operation ho. Entity ko bhi benefit ho raha hai. Malum pada? Aur labor costing ke through, aap kya kar sakte ho? Helps to find out a cost of labor kitna incurred ho raha hai. Business entity कितना cost of labor incurred कर रहा है for smooth functioning of its business operation. That is what labor costing. याद रहेगा पूरा एकदम पूरा meaning ये याद रहना चाहिए सबको labor costing. ठीक है क्या हो गया a method of costing which helps to find out a cost of labor which helps to find out what a cost of labor incurred by a business entity clear है for the smooth functioning of its business operation. Okay. Job evaluation is what? Now, what is job evaluation? Job evaluation is what? It's a procedure. What? It's a procedure designed to rank job on a formal basis. Ranking the job. Whatever a procedure designed to rank job on a formal basis and to measure the worth of a job. Us job ka kya worth hai for compensation purpose? What is the worth of that job for compensation purpose? Example, जैसे अभी देखो, जैसे like CA, भी chartered accountant, तो आपने job evaluation किया formal basis पे, इधर मैंने example दिया है like CA, ICWA, CMA, MBA, एक assumed example है, बराबर है, मालूम पड़ा, वो salary structure, जो payment structure है आगे पीछे होता है, बराबर है, कभी MBA वाला 12 lakhs पे रहेगा, तो CA वाला 6 lakh पे रहता, ऐसा कुछ नहीं बट नॉर्मली एवरेज के हिसाब से बता रहा हूँ ठीक है फॉर्मल बेसिस एंड टू मेजर द वर्थ ऑफ अ जॉब फॉर कंपनसेशन पर्पस अभी सीए है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जॉब इवैल्यूएशन के बेसिस पे उसका कंपनसेशन क्या होता है मतलब उसके लिए लेबर कॉस्ट क्या होगा कंपनी का लेबर कॉस्ट 12 lakh पर एनम ये एवरेज है पूरा एवरेज डेटा है एवरेज डेटा मतलब समझते हैं ना पूरा एक एवरेज लिया गया है तो किसी एमबीए का भी कभी 20 lakh 25 lakh भी होता है सीए का कभी 10 lakh भी होता है बराबर है ये एक एवरेज है सबका एवरेज निकाल के एक एवरेज समझाने के लिए दिया ठीक है तो जैसे सीए है सीए को कितना मिल रहा है 12 lakh पर है ना अब उसका जॉब के रैंकिंग के बेस पे उसका कंपनसेशन बराबर है उसको कितना कंपनसेशन दे रहा कंपनी मतलब कितना कॉस्ट कंपनी का कॉस्ट कितना जा रहा है 12 lakh पर है ना आईसीडब्ल्यू देखो इधर डिफरेंट जॉब है सीए आईसीडब्ल्यू ए सीएमए और एमबीए बराबर है प्रोसीजर डिजाइन टू रैंक जॉब ऑन अ फॉर्मल बेसिस ठीक है तो अगर वो कंपनी में जा रहा है सीए है तो उसको 12 लाख पर एनम मिल रहा है आईसीडब्ल्यूए है आईसीडब्ल्यूए ठीक है सीडब्ल्यूए जिसको बोलते हैं हम लोग सीडब्ल्यूए क्या आईसीडब्ल्यूए मतलब सीडब्ल्यूए ठीक है तो अब सीडब्ल्यूए मतलब कितना 10 lakh पर एनम हाउ मच 10 lakh पर एनम तो जॉब इवैल्यूएशन के बेसिस पे उसका कंपनसेशन पर्पस कितना हो गया और यहां हम मेजर करते क्या वर्थ है वर्थ क्या है उस जॉब का तो सीए है तो सीए के बेसिस पे समझो वर्थ ऑफ अ जॉब 12 लाख का पर एनम का पैकेज जा रहा है सीडब्ल्यूए बराबर है सीडब्ल्यूए को कितना जा रहा है 10 लाख पर एनम का पैकेज जा रहा है सीएमए है अगर
सीएमए को कितना जा रहा है, 8 लाख पर एनम का पैकेज जा रहा है। एमबीए है तो एमबीए को कितना जा रहा है, 6 लाख पर एनम का पैकेज। ये एवरेज एक एग्जाम्पल के लिए लिया है जॉब इवेल्यूएशन समझाने के लिए, बराबर है कि नहीं। तो जॉब इवेल्यूएशन मतलब क्या कि प्रोसीजर डिजाइन किया है। अभी उस कंपनी में जाओगे तो हाँ भाई ये सीए है इसको 12 लाख पर एनम मिल रहा है, ये सीडब्ल्यू है तो इसको 10 लाख पर एनम के बेसिस पे है, सीएमए आएगा तो हम 8 लाख पर एनम के बेसिस पे देंगे, एमबीए है 6 लाख पर एनम के बेसिस पे देंगे। तो प्रोसीजर डिजाइन टू रैंक जॉब ऑन अ फॉर्मल बेसिस एंड टू मेजर द वर्थ ऑफ अ जॉब, उस जॉब का क्या वर्थ है फॉर कंपनसेशन पर्पस। तो वहां पूरा जॉब इवेल्युएशन हो रहा है कि वो सीए आएगा तो उसको 12 लाख पर एनम दे रहे, सीडब्ल्यू आ रहा है तो 10 लाख पर एनम दे रहे, सीएमए आ रहा है तो 8 लाख पर एनम। भाई इसका जो जॉब है मालूम पड़ा, इसका जो जॉब है वर्थ ऑफ अ जॉब है उसके बेसिस पे हमने ये पेमेंट डिसाइड किया, बराबर है। एमबी आ रहा है तो उसको 6 लाख पर एनम दे रहे। तो दैट इज व्हाट क्या जॉब इवेल्युएशन की प्रोसीजर डिजाइन टू रैंक जॉब ऑन अ फॉर्मल बेसिस, फॉर्मल बेसिस के बेसिस पे रैंकिंग दिया है आपने कि भाई सीए आएगा तो हम 12 लाख देगा, सीडब्ल्यू रहेगा तो 10 लाख देगा, सीएमए आ रहा है 8 लाख देगा, एमबी आ रहा है 6 लाख देगा, बराबर है। तो ये एवरेज डेटा है, याद रखो मालूम पड़ा, ये फिगर्स आगे पीछे होते हैं। अभी एमबीए 6 लाख देख रहा है, मतलब एमबीए को 6 लाख ही मिलता है क्या? बहुत सारे एमबीए होते हैं जिनका पैकेज 20 लाख 25 लाख ऐसा भी होता है, बहुत सारे सीए होते हैं जिनका पैकेज 50 लाख भी होता है, ऐसा नहीं। बट ये एवरेज बेसिस पे एक समझाने के लिए लिया है, ऐसा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, मालूम पड़ा कि नहीं, जॉब इवेल्युएशन की प्रोसीजर डिजाइन टू रैंक जॉब। अब रैंक किया आपने कि भाई सीए आ रहा है तो सीए का वर्थ ऑफ अ जॉब के बेसिस पे, उसका क्या वर्थ है जॉब का, उसके बेसिस पे कंपनसेशन पर्पस हमारा 12 लाख पर एनम के बेसिस पे है, सीडब्ल्यू आ रहा है उसके लिए 10 लाख पर एनम है, सीएमए के लिए 8 लाख पर एनम है, एमबीए के लिए 6 लाख पर एनम है। दैट इज व्हाट जॉब इवेल्युएशन कर रहे हो आप। एक प्रोसीजर डिजाइन हुआ है टू रैंक जॉब ऑन अ फॉर्मल बेसिस, टू रैंक जॉब ऑन अ फॉर्मल बेसिस एंड टू मेजर द वर्थ ऑफ अ जॉब। तो देखा ना, अभी बोलोगे आप सीएमए का वर्थ ऑफ अ जॉब कितना है, कितना कंपनसेशन देगा कंपनी उसको, 10 लाख का। सीए का जो जॉब है उसका वर्थ क्या है, 12 लाख का है। तो दैट इज व्हाट जॉब इवेल्युएशन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, जॉब इवेल्युएशन। तो मीनिंग याद रखो सब लोग कि दिस इज व्हाट, इट्स अ प्रोसीजर डिजाइन टू रैंक जॉब ऑन अ फॉर्मल बेसिस एंड टू मेजर द वर्थ ऑफ अ जॉब एंड टू मेजर द वर्थ ऑफ अ जॉब फॉर कंपनसेशन पर्पस। That is what your job evaluation. याद रखना क्या हो गया, ये आपका job evaluation, ठीक है, याद रखने का सब लोग। अब इसके बाद job evaluation के बाद जो next point है वो है merit rating. अब merit rating में आ जाए, अब job evaluation कर लिया, अब merit rating के basis पे। तो merit rating में देखो दो example दिया मैंने, एक CA का और एक ICWA का। merit rating CA ICW. So what is merit rating? पहले देखो merit rating होता क्या है? Merit rating is concerned with evaluation of an individual employee. What is merit rating? Merit rating is concerned with evaluation of an individual employee based on his or her performance for compensation purpose. That is what merit rating. तो merit rating क्या हो गया बेटा? Evaluation of an individual employee. आप individual employee का evaluation करोगे based on his or her performance, वो कैसा perform कर रहा है उसके basis पे उसका payment बढ़ता है या उसके basis पे compensation decide होता है कि भाई इसको इतना दे, समझे। जैसे example देखो, अभी उस company में समझो टाटा कंपनी में दो CA, एक CA अमित है और एक CA मंजू है, CA अमित और CA मंजू, ठीक है। अब CA अमित को कितना मिल रहा है, 25 लाख मिल रहा है, 25 लाख पर एनम मिल रहा है। और वही दूसरा सीए जो मंजू है, मंजू दूसरी सीए मंजू है, उसको मिल रहा है 10 लाख पर एनम, बराबर है। अमित को मिल रहा है 25 लाख पर एनम और मंजू को कितना मिल रहा है, 10 लाख पर एनम, समझा। 25 लाख पर एनम और दूसरा 10 लाख पर एनम, डिफरेंस है कि नहीं? तो वो डिफरेंस परफॉर्मेंस में डिफरेंस है बेटा, परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस उसके बेसिस पर डिफरेंस हो सकता है, राइट। दैट इज व्हाट मेरिट रेटिंग, उसी को बोलते हैं मेरिट रेटिंग। तो ये 25 लाख बिकॉज ऑफ, हो सकता है मोर एक्सपीरियंस है उसके पास एंड वो सुटेबल है, कैलिबर है उसके अंदर, एक्स्ट्रा स्किल है, टैलेंट है, एफिशिएंट है, बराबर है। वो सीए के अंदर एक्स्ट्रा स्किल है, टैलेंटेड है, एफिशिएंट है, कैलिबर है, एक्सपीरियंस है, बराबर है कि नहीं?
एक्सपीरियंस है, डेडिकेटेड है, मालूम पड़ा कि नहीं, नया नया सीखने का उसके अंदर इच्छा है, सब कुछ मालूम पड़ा कि नहीं, और एकदम डिवोट होके काम करता है, दैट इज व्हाट, इसलिए उसका 25 लाख पर एनम है। और एक्सपीरियंस तो इंपॉर्टेंट होता ही है, पता है ना सबको, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एंड सुटेबल कैलिबर एक्स्ट्रा स्किल एंड टैलेंट मोर एफिशिएंट, ज्यादा एफिशिएंट है वो, तो इसलिए उसका 25 लाख है। इसका 10 लाख है, 10 लाख मतलब इसके पास एक्सपीरियंस कम होगा, या इतनी स्किल नहीं है अभी, या लेस एफिशिएंट है, बराबर है कि नहीं, लेस एफिशिएंट है, तो दैट इज व्हाई हिज पेमेंट इज, हर पेमेंट इज व्हाट 10 लाख, ये हर है ना भाई मंजू है ना, तो हर पेमेंट इज व्हाट 10 लाख, दैट्स इट। सो दैट इज व्हाट मेरिट रेटिंग, मेरिट रेटिंग मतलब इवैल्यूएशन होगा ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय बेस्ड ऑन हिज और हर परफॉर्मेंस फॉर कंपनसेशन। कैसा परफॉर्मेंस है, बेस्ड ऑन हिज और हर परफॉर्मेंस, उसके बेसिस पे कंपनसेशन डिसाइड करता है। तो जो भी देगा, 25 लाख दे रहा है कंपनी, तो कंपनी का क्या है, ये 25 लाख क्या है, कॉस्ट है कंपनी का। 10 लाख दे रहा है तो क्या है, कॉस्ट है। सो दीज कॉस्ट आर व्हाट, लेबर कॉस्ट, क्या है ये सब, लेबर कॉस्ट है कि नहीं। अब देखो ICWA के केसेस में भी दिया मैंने, जैसे एक CWA है रौनक, रौनक को कितना है 22 लाख पर एनम, और वही दूसरा एक CA है CWA दैट इज उदय, उदय का कितना है 6 लाख पर एनम, ठीक है, सेम वही फंडा, क्यों 22 लाख पर एनम है इसका, बिकॉज ऑफ मोर एक्सपीरियंस एंड सुटेबल कैलिबर एक्स्ट्रा स्किल एंड टैलेंट मोर एफिशिएंट है, 6 लाख पर एनम क्यों है, CWA उदय का 6 लाख पर एनम क्यों है, बिकॉज ऑफ लेस एक्सपीरियंस लेस स्किल्स एंड लेस एफिशिएंट, दैट्स इट। सो दैट इज व्हाट मेरिट रेटिंग, मेरिट रेटिंग के बेस पे भी कंपनसेशन डिसाइड होता है, कंपनी आपको पेमेंट करेगी और कंपनी का वैसा कॉस्ट होगा लेबर कॉस्ट। सो याद रखो मेरिट रेटिंग इज व्हाट, मेरिट रेटिंग इज कंसर्न विद, ये सब एग्जाम्पल सिर्फ इसको समझाने के लिए दिया, ये पॉइंट को समझाने के लिए। सो मेरिट रेटिंग इज कंसर्न विद इवेल्युएशन ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, इवेल्युएशन ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय बेस्ड ऑन हिज और हर परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन हिज और हर परफॉर्मेंस फॉर कंपनसेशन पर्पस। कुछ भी हो जाए कंपनी का तो कॉस्ट होना ही है, लेबर कॉस्ट है कि नहीं। सो दिस इज व्हाट